मैं पहुंच चुकी हूं दरबार साहिब गुरु राम राय के। दरबार साहिब है ये श्री गुरु राम राय का दरबार साहिब है, जो शायद ये मेरे ख्याल से ये वो है जो देहरादून फर्स्ट टाइम आए थे। जी, जी, ऐसे वही है ना, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ। तो गाइज ये वो है जो फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश हुए थे यहाँ पे गुरु। मेरी अगर आप वीडियो चेक करेंगे तो उसमें मेंशन है इनका, गुरु राम राय का। सो पहले देहरादून वाली आप वीडियो देख लेना, उसके बाद आपको पता लग जाएगा। और यहाँ पे क्या फेरे वेरे हो रहे थे अभी? फेरे ये जो लोग होते हैं यहाँ के लोग वो मत्था टिकवाने आते हैं यहाँ दूल्हे दुल्हन को। अच्छा, तो गाइज ये मुझे बता रहे हैं कि जो न्यूली मैरिड होते हैं वो यहाँ पे मत्था टेकने आते हैं। और ये सो मैं गुरुद्वारे के अंदर आ चुकी हूँ और मैं बताती हूँ आपको कि गुरु राम राय जो है 1676 में आए थे और यहाँ पे डेरा स्थापित किया था। और औरंगज़ेब के शासनकाल में देहरादून के नाम से ये जो प्लेस है बहुत फेमस हुआ था। चलिए अंदर के दर्शन करते हैं। देखिए इसकी एंट्रेंस है। हाँ, मुझे लोगों ने बताया कि अगर आप यहाँ देहरादून आते हैं और कहीं आप स्टे करना चाहते हैं, ये ऑफिस बना हुआ है इस डेरे का, अगर आप यहाँ स्टे करना चाहते हैं, रूम लेना चाहते हैं, तो यहाँ आपको रूम भी अवेलेबल हैं, आप यहाँ रह सकते हैं। ये सुंदर सिंह जी हैं, विनोद सिंह जी हैं, जिनसे आप बात कर सकते हैं यहाँ रुकने के लिए, यहाँ पर रूम रेंट के लिए। ब्यूटीफुल नक्काश की गई है। ये गुरु राम राय का डेरा है जो फर्स्ट टाइम देहरादून में आए थे और इन्होंने डेरा स्थापित किया था जहाँ से देहरा शब्द उत्पन्न हुआ था। तो कह सकते हैं कि देहरादून को नाम देने वाले फर्स्ट पर्सन जो है गुरु राम राय जी थे। और ये उनका डेरा है, ये जो डेरा है गुरुद्वारा कह सकते हैं आप इसको। और ये वहाँ की एंट्रेंस है और ये सामने जो है चार मीनार जैसे आप देख पा रहे हैं जो गुरुद्वारे में बनी होती हैं, गुम्बद। ये वही है, यहाँ पे जो रिचुअल्स हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं। और ये न्यूली कपल हैं जो यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए हैं और अभी इनकी नई नई शादी हुई है। तो यहाँ माना जाता है कि पहले यहाँ पर मंदिर में पूजा करवाई जाती है, आशीर्वाद लिया जाता है और फिर सचेत तो पंकज जी से हुई है। और थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। यहाँ पर मैंने बात की सचेत और पंकज जी हैं जिनसे मैंने जाना कि ये डेरा जो स्थापित हुआ था और यहाँ पे कैसे रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं। और आज भी इन्हीं के नाम से बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल देहरादून में हैं। यहाँ का एक्सपीरियंस मेरा ही बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल रहा। यहाँ लोगों ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया, पूरा बताया, पूरी कहानी बताई उस बारे में। और मेरी पहले वाली अगर वीडियो आप देखेंगे तो ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ गुरुजी के बारे में, गुरु राम राय के बारे में। और मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ का था वो बहुत अच्छा था। तो चलिए अब वापसी की ओर चलते हैं। और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोग देहरादून आएंगे तो आप यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आपको बहुत शांति मिलेगी और बहुत अच्छा फील करेंगे आप यहाँ पे। ये देखिए इसका 360 डिग्री व्यू है ये पूरा। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। न्यू अपडेट्स के लिए प्लीज़ मुझे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि न्यू अपडेट्स आप तक आते रहें और मेरी न्यू जर्नी आपके साथ शेयर हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।